नमस्कार दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं जो कि आया है CGL Tier 1 के 2013 के एग्ज़ाम में है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। और ये जो डायरेक्ट मुंह उठा के देखने आ गए हो, इसको मत देखो, डायरेक्ट जाके पहले वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को बनाओ खुद से, फिर आप देखो। क्योंकि बनल बनावल रोटी जो है ना, सबको अच्छा लगता है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पॉज करके बनाओ, ट्राई करो, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट जितना भी जल्दी कर पाओ, फिर आओ देखो, अगर नहीं बने तो। ऐसी बात है कि क्वेश्चन है कि स्विमर, देखो ये है स्विमर, ये आदमी जो है ये है स्विमर। क्वेश्चन पता ना कहाँ पूछता है, ये है पगलेट स्विमर, ये स्विमर है पगलेट। ये बोल रहा है कि ए से देखो धारा जो है इस दिशा में बह रही है, ऐसा पता नहीं चल रहा है कॉपी में, पर ये समझ लो कि धारा जो है इस दिशा में बह रही है। ये आदमी इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये आदमी इस दिशा में जा रहा है। अब एक बात बताओ, जब इधर से जाएगा, धारा इधर बह रहा है, इधर जा रहा है, तो ये बकलोले ना है, ये बकलोल है, फिर भी जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछ दिया तो बताना ही पड़ेगा हमें। तो ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसको यहाँ से यहाँ जाने में बोल रहा है क्या कि 5 मिनट लगता है, ठीक है, 5 मिनट लगता है। अब क्या है, यहाँ से इसका मूड चेंज हो गया, चूंकि है ये पागल तो इसका मूड चेंज हो गया। आई मूड चेंज हो गया तो यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ जब आ रहा है इस पॉइंट पे, ये आदमी इधर जा रहा है इधर आ रहा है, तो इसको फिर से 5 मिनट लग रहा है, क्योंकि ये धारा के दिशा में चल रहा है। धारा तो इधर ही बह रहा है, तो इधर से नहीं भी तैरेगा तो पहुँच ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन ये खुद का स्पीड से तैर रहा है और फिर धारा भी ठेल रहा है इसको, तब पहुँच जा रहा है यहाँ पे, तो भी इसको कितना मिनट, 5 मिनट लगता है। 5 मिनट को घंटा में चेंज करोगे ना तो घंटा 12, 1/12 आवर्स इसको बोलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप लोग को करंट का स्पीड बताना है, और ये बता रहा है कि जो ए और बी का डिस्टेंस है वो है 100 मीटर्स, ठीक है, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर्स। यहाँ पे जो है थोड़ा सा, अगर जिसके पास दिमाग है तो यहाँ एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, 5 मिनट्स, यानी कि 1/12 आवर्स। मैंने क्यों लिखा है आवर्स, मैंने इसलिए लिखा है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका स्पीड जो धारा का पूछ रहा है, या फिर किस चीज़ का स्पीड पूछ रहा है, करंट का स्पीड या धारा का स्पीड, तो वो लाइन वाला करंट नहीं, तो उसका स्पीड भी क्या है, वहीं इसी का स्पीड पूछ रहा है। तो ऐसी बात है कि मिनट यही लग रहा है, यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ जाता है, ध्यान से देखना है, यानी कि ए से सी जाता है, कैसे जाएगा, अगर एक्स इसका स्पीड है और वाई धारा का स्पीड है, ठीक है, हम हमेशा यही मानते हैं, तो आप जैसे मान सकते हैं, इसके जब कुछ भी ले सकते हो। एक्स माना मैंने इसका स्पीड है, अब धारा है तो इसको ठेल रहा है इधर साइड, तो जाने समय तो इसको ठेल रहा है, यानी कि इसका स्पीड माइनस धारा का स्पीड करेंगे तो एग्जैक्ट स्पीड निकलेगा। तो जो टाइम लग रहा है ये लग रहा है इसको 1/12 आवर्स, ठीक है, 1/12 मैंने क्यों किया बता दिया मैंने। अगला चीज़ कि जब यहाँ से यहाँ आता है, यानी कि समझो, अब यहाँ से यहाँ सी भी लिखेंगे तो एक अलग टर्म हो जाएगा, तो अगर हम 100+ AC लिखेंगे तो सिमिलरिटी मिलेगी, तो 100+ AC, और जब ये इधर आ रहा है तो धारा तो जो इसका स्पीड है, इसका तो ही पगला का जो स्पीड है वो तो चल ही रहा है, लेकिन धारा भी इसको ठेल रहा है, यानी कि x+y। आ टाइम कितना लग रहा है, 1/12, यहाँ से यहाँ पहुँचने में फिर से टाइम 1/12 लग रहा है। अब आगे क्या होगा, आगे अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, अगर देखो इसको आप पहला मान लो, इसको आप दूसरा मान लो, ठीक है, आगे हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो पगला ऊपर चला गया। अब ये है आपकी असली बात, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट, यानी कि AC/(x-y)=100+AC/(x+y), ये हो जाएगा। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AC(x+AC)y इक्वल टू, इसको 100 से पहले कर ही लेते हैं, 100+AC की डायरेक्ट लिख दे क्या, नहीं, ना ना डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं,
28 से, ठीक है? ठीक है, आगे कैसे होगा? ए सी एक्स प्लस ए सी वाई इक्वल टू 100x माइनस 100y प्लस ए सी एक्स माइनस ए सी वाई, ठीक है? अब देखो इधर भी ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव माने ये इधर जाएगा तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसल होता है, ठीक है? कैंसिल बोल रहे हैं ऐसे ही, तो ये है इधर जाएगा तो ये तो हो जाएगा 2 ACY इक्वल टू, अच्छा 100 को 0.1 किलोमीटर, ठीक है? किलोमीटर में इसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आंसर हमें किलोमीटर में पूछ रहा है। तो 100 अगर ये कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है? एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा अगर एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है, अगर ये एक्स माइनस वाई हो गया, हमें किस चीज़ का वैल्यू निकालना है? वाई का। हमें किस चीज़ का वैल्यू निकालना है? वाई का। शुरुआत अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं दिला देता हूँ। जो एक्स माइनस वाई का वैल्यू है हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से? एक्स को इधर ले जाओ, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 12 AC पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 AC पुट कर देते हैं, AC आ गया। अच्छा आगे कैसे होगा? अब आगे होगा ये कि जो ये वाला है ये हो जाएगा 1.2 AC, देखो 1.2 AC हो जाएगा। मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, अब इसको लिख रहा हूँ 2 AC y। हमें क्या चाहिए? y का। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.2 AC डिवाइडेड बाई 2 AC, ठीक है? 2 AC। अच्छा AC से AC कट गया, ये से क्या हो जाएगा? 0.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल डिटेल बड़ा चित्र बना के समझाया हूँ एकदम, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, अगर आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? नहीं आया तो डिसलाइक मारना, कमेंट करना कि काहे नहीं आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।